नई सुबह के YouTube चैनल को विजिट करने का शुक्रिया। मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubha.org naisubha.org। वेलकम टू नई सुबह ऑडियो लाइब्रेरी इंग्लिश लर्निंग ट्यूटोरियल्स फॉर फाउंडेशन कोर्स। मेरा नाम है सबा गजाली और आज के लेसन में हम बात करेंगे इंटरजेक्शंस पर। इंटरजेक्शन यानी कि इनसाइड द हार्ट। जब हमें लगता है इंजेक्शन तो हमारे मुंह से निकलता है इंटरजेक्शन। आह, दैट इज एन इंटरजेक्शन। अलास, जब हम कोई बुरी खबर सुनते हैं हम कहते हैं अलास। अलास, अफसोस, दैट इज ऑल्सो एन इंटरजेक्शन। इसी तरह से जब हम कभी मैच जीत जाते हैं तो हमारे मुंह से निकलता है याहू, हुर्रा। ये क्या है? इंटरजेक्शन। तो ऐसे तमाम अल्फाज जो हमारे एक्सप्रेशंस को जाहिर करते हैं, हमारे एहसासात की तर्जुमानी करते हैं, इंटरजेक्शंस कहलाते हैं। ये आपकी ज़िंदगी में आप बहुत तवातुर से इस्तेमाल भी करते होंगे, लेकिन शायद कभी आपने गौर नहीं किया होगा। तो लिहाजा बहुत से ऐसे इंटरजेक्शंस हैं जो हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं और इनको आप अपनी गुफ्तगू में से तलाश भी कर सकते हैं। जैसे कि हम कोई बहुत अच्छी चीज़ देखते हैं तो हम कहते हैं वाओ, ओह, नाइस। तो इसमें ओह हुआ इंटरजेक्शन। इसी तरह से जब हमने कहा वाओ तो वाओ हुआ इंटरजेक्शन। तो इस तरह के अल्फाज आप अपनी रोज़मर्रा गुफ्तगू से ढूंढिए और अपने इंटरजेक्शंस तलाश कीजिए। इसी के साथ ही हमारा आज का लेसन ख़त्म हुआ। मिलेंगे अगले लेसन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये मालूमाती मवाद नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए राब्ते के ज़राए इस्तेमाल कीजिए।